गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास सिक्स का हिंदी का जो एग्जाम हुआ है, मिड टर्म एग्जामिनेशन, उसकी ऑफिशियली मार्किंग स्कीम देख रहे हैं। ये ऑफिशियली मार्किंग स्कीम है, इसी से ही आपके आंसर्स चेक किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट में मतायन हो जाएगा, सेकंड में 8 मील हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन में टेढ़ी मेढ़ी और सेकंड का ऊंचे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, फर्स्ट में कुछ आ जाएगा, सेकंड में ख आ जाएगा और थर्ड में बच्चे आ जाएगा, फोर्थ में जातिवाचक संख्या आ जाएगा। जो यहाँ सेकंड क्वेश्चन है थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन अभी देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 में ऑलिव ऑयल पीना, बचपन कृष्णा सोबती, शीशे के गिलास पर लगे निशान देखकर, और इसे इतवारी दवा भी कहते हैं, ये हो जाएंगे इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर देखिए, नीले जुड़ी के दाने या संतोषी और केदारनाथ अग्रवाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रेमचंद और स्टूल से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में नदी का और जल का। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक और प्रय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दूध हो जाएगा, 3 हो जाएगा, चावल हो जाएंगे और 4 बजे हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हो जाएगा चिड़िया, बूढ़े वन बाबा की खातिर, मधुर और दूध से। ये सबके आंसर आंसर मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर आप रीड कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको 30-40 वर्ड्स में देने थे, इसीलिए इनको आप रीड कर सकते हैं। मैंने स्क्रॉल कर रही हूँ वीडियो। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 है, इसमें भी आप रीड कर सकते हैं, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं रीड इनको। क्वेश्चन नंबर 13 में एक विषय पे आपको अनुच्छेद लिखना था जो कि 5 मार्क्स का था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 में एक पत्र लिखना था जो भी 5 मार्क्स का था। तो आप अपने मार्क्स का यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, सभी सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम और सैम्पल पेपर, और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू गाइज़।